हिंदू को सता रहा था महाराष्ट्र जैसा डर। सिंगापुर जाने से पहले लिया बड़ा फैसला। आरजेडी में पहली बार किया गया बड़ा फेरबदल। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव अगले कुछ समय तक सिंगापुर में रहेंगे। आरजेडी सुप्रीमो का किडनी ट्रांसप्लांट होना है, ऐसे में लालू बिहार की राजनीति से दूर रहेंगे। लालू की गैर मौजूदगी में डिप्टी सीएम तेजस्वी के साथ महाराष्ट्र जैसा खेल ना हो, इसका डर आरजेडी नेताओं को सता रहा था। नेताओं को डर था कि लालू के नहीं होने पर पार्टी पर कोई मुसीबत आ सकती है या फिर बीजेपी बिहार में महाराष्ट्र जैसी तोड़फोड़ कर सकती है। इसे देखते हुए लालू ने सिंगापुर जाने से पहले ही एक फुल प्रूफ प्लान तैयार कर दिया है। लालू यादव राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं और राजनीतिक दांवपेच खूब समझते हैं। लालू महाराष्ट्र में बीजेपी का खेल देख चुके हैं। बिहार में ऐसी स्थिति ना हो, इसके लिए लालू ने तेजस्वी के चारों ओर नेताओं का एक मजबूत घेरा बना दिया है। आरजेडी सुप्रीमो ने पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन कर दिया है, जिसका ऐलान जल्द होगा। खबर है कि लालू यादव ने इस बार पार्टी में चार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने का फैसला किया है। पहली बार चार उपाध्यक्ष। आरजेडी में पहली बार चार उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी को फिर से उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा देवेंद्र यादव और उदय नारायण चौधरी को भी पहली बार आरजेडी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। देवेंद्र यादव पुराने समाजवादी हैं, जबकि उदय नारायण चौधरी बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर रह चुके हैं। इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हाल ही के महीनों में दूसरे दल से आरजेडी में शामिल हुए नेताओं को भी जगह दी गई है। तेजस्वी हुए और ताकतवर। अगर लालू प्रसाद यादव का किडनी ट्रांसप्लांट होता है तो उन्हें सिंगापुर से भारत लौटने में ज्यादा समय लग सकता है। माना जा रहा है कि लालू आरजेडी को मजबूत बनाकर सिंगापुर जाना चाहते हैं। इससे पहले जब आरजेडी प्रमुख सिंगापुर गए थे, तब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उन्होंने तेजस्वी को अपनी जैसी ताकत दी थी। तेजस्वी को उन्होंने पार्टी का नाम और चिन्ह बदलने की ताकत दी थी, यानी लालू तेजस्वी को छोड़कर इस बारे में कोई और नेता इस मसले पर फैसला नहीं ले सकता था। चुनाव आयोग को भी इस बारे में जानकारी दी गई थी। करीबियों को क्या मिला? लालू प्रसाद यादव के नजदीकियों पर सीबीआई और ईडी की नजर रहती है। भोला यादव, सुनील कुमार सिंह सहित कई नेताओं से पूछताछ की जा चुकी है। भोला यादव को तो अरेस्ट कर पूछताछ की गई थी, वो रिमांड पर है, विदेश नहीं जा सकते। तेजस्वी के करीबी संजय यादव पर भी सीबीआई की नजर है। जानकारी है कि कुछ अन्य पदों पर लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबियों जैसे कि जयप्रकाश नारायण यादव, कांति सिंह, भोला यादव, आलोक मेहता आदि को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा रही है। जगदानंद को मनाने में कामयाब हुए लालू। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह एक बार फिर आरजेडी प्रदेश कार्यालय लौटेंगे। उनकी नाराजगी दूर हो गई है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद से उनकी करीब एक घंटे मुलाकात हुई। दिल्ली में गुरुवार शाम हुई दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान अब्दुल बारी सिद्दीकी भी मौजूद थे। लालू ने उन्हें फोन करके मिलने के लिए बुलाया था। लालू यादव ने वरिष्ठ नेताओं से कई मुद्दों पर बातचीत की। जगदानंद सिंह ने लालू यादव से मुलाकात के बाद बिहार आरजेडी अध्यक्ष बने रहने का फैसला लिया है।